अभी लेटेस्ट क्या सुनने को आ रहा है? सलमान खान का जेल, उनका जेल हो गया है, वो जेल में रह रहे हैं। हालांकि ये कोई नया बात नहीं है, पिछले बार फुटपाथ के ऊपर कार चला दिया था रात में, तो इसी के कारण उनको जेल हुआ था। लेकिन उनको जेल में नहीं रहना पड़ा था क्योंकि उनका बेल हो गया था सेम डे। लेकिन अभी क्या हुआ है, काले हिरन को मारने के जुर्म में उनको पुलिसी हिरासत में ले लिया गया है। सब लोग सलमान खान को कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई गवर्नमेंट के साथ है, कोई एनिमल लवर्स के साथ है। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, शायद ये आप भी डिटेल में नहीं जानते होंगे। तो कोई नहीं दोस्तों, मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो रहस्य लाइन में जुड़े रहिए और देखिए इसके पीछे असल में राज क्या है। दिन था 26 सितंबर 1998। उस दिन सलमान खान था जोधपुर में, वहां पर फिल्म हम साथ साथ है इसका शूटिंग हो रहा था। तो उस दिन सलमान खान निकले थे शिकार पे, अपने साथ था उस जिप्सी का ड्राइवर और एक उनका करीबी जिनका नाम है हरीश कुमार दुलानी। तो क्या हुआ था, उस दिन गाड़ी चलते चलते आ पहुंचा चिनकारा के सामने, ये भी एक टाइप का हिरन ही होता है, और उन्हें देखकर सलमान खान मारे थे धड़ाधड़ 2 गोलियां, लेकिन दोनों ही मिस हो गया था। हरीश ने सलमान को बोला कि ठीक तरह से निशाना लगाइए, और तीसरी बार निशाना लगाते हुए वो चिनकारा वाई पर गिर गया था। ये बयान है उस जिप्सी के ड्राइवर का, और उन्होंने ये भी कहा है कि लौटते वक्त सलमान खान ने और एक चिनकारा को मारा है। 27 सितंबर मतलब उसके अगले दिन सलमान खान फिर से निकले थे शिकार पे वही ड्राइवर के साथ, और उस दिन भी एक चिनकारा का शिकार किए थे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं था। 3 दिन बाद 1 अक्टूबर में उस दिन क्या हुआ था, उस दिन हो गया था पैकअप जल्दी फिल्म का। तो सभी लोग साथ में जा रहे थे, सैफ अली खान थे, सोनाली बिंद्रे, अमृता थे, टब्बू और उनके साथ थे कुछ क्रू मेंबर्स। रास्ते में उस दिन एक हिरन का शिकार हुआ था, ये हिरन था काला हिरन, और बताया जाता है वो हिरन का शिकार भी सलमान खान ने किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जोधपुर कोर्ट में एक मामला दर्ज करवाया गया 12 अक्टूबर को, और सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन वो तब बेल पे छूट गए थे। उस वक्त सरकार पक्ष के वकील वहां पर बोले थे कि केस को गुमराह किया जा रहा है, जो काले हिरन का पोस्टमार्टम किया है उन्हें गोली से मारा गया था लेकिन कई ऊंची जगह से गिरने पे इसका मौत हुआ है। तो इसी के कारण राजस्थान हाईकोर्ट में भी चला गया था और एक केस, और वहां पर चिनकारा वाला केस रजिस्टर्ड करवाया गया था। जोधपुर अदालत से उनको छुटकारा मिल गया था, यानी बेल मिल गया था, लेकिन उसके बाद हुआ चिनकारा केस रजिस्टर्ड और तब उनको रीअरेस्ट करवाया गया था, और जोधपुर अदालत ने उसके ऊपर अवैध हथियार रखने का केस दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में किसी तरह वहां से भी उनको बेल मिल गया था। ये तो फैसला अभी तक होना बाकी था। 2004 साल में इस केस का सुनवाई फिर से किया गया, और 2006 साल में फिर से डेट दिया गया, 2008, 9, 10, 2013 पर भी इसका सुनवाई हुआ था, और जाके 5 अप्रैल 2018 में राय घोषणा किया है, और वहां पर सलमान खान का 10,000 रुपए के जुर्माना के साथ 5 साल की जेल की सुनवाई हो गया है। और यहाँ पर भी बेल मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है क्योंकि 3 साल से ज्यादा अगर कोई सजा होता है तो उसके बेल के लिए हायर कोर्ट में अपील करना होता है, तो वो सेम डे पे नहीं हो सकता है, अगले दिन करवाया जाता है, तो वही अभी चल रहा है। तो दोस्तों ये है पूरे बात, अभी तक बात खत्म नहीं हुआ है जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, ये जो हो रहा है ये क्या ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? ये सलमान खान है इसीलिए क्या ये बड़ा मुद्दा बन गया है, या अगर कोई दूसरा नॉर्मल आदमी होता उसके लिए कम सजा होता या इतना ध्यान नहीं आता सबके नजरों पे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों, मुझे जानना है कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग किसके साथ हैं, सरकार के साथ, एनिमल के साथ या सलमान खान के साथ? मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। आप मेरा चैनल रहस्य लाइव को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।